मजा आया ओके okay. देखा आपने नहीं चल झूठा तो चलिए शुरू करते हैं ओके okay. तो है गाइस मैं आ चुका हूं एक न्यू वीडियो के साथ आज के वीडियो में मैं आपको ड्रैग के बारे में बताऊंगा मतलब हमारे फीपर में तीन तरह के ड्रैग होता है एक है स्ट्रेट ड्रैग दूसरा है रोटेशन ड्रैग और तीसरा है होल्ड ड्रैग तो भाई तीनों ड्रैग ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एनिमी के कौन से पोजिशन पर आपको ये ड्रैग यूज करना है कैसे यूज करना है तो सब कुछ आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो एकदम मस्त होने वाला है वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते रहे और वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग चैनल चैनल पे पहली बार आए तो भाई वहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है बटन को प्रेस कर लेना क्योंकि हम लोग वन हंड्रेड के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है तो यार आप लोगों का प्यार रहेगा सपोर्ट रहेगा तो यार हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे तो फिर चलो यार बिना बकवास करे वीडियो में आगे बढ़ते okay. तो भाई देखो यार कोई सा भी ड्रैग यूज़ करने के लिए आपको दो कॉमन चीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा पहला तो है एम और दूसरा है फायर टेक्निक देखो यार एम में क्या है कि आप लोग या तो एम को वाइट करके ये तीनों ड्रैग यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट ड्रैग रोटेशन ड्रैग या फिर होल्ड ड्रैग आप लोग यूज़ कर सकते हो एम को व्हाइट रख के या फिर अगर आप लोग एम को रेड करके ये ड्रैग मानना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन जब आप लोग होल्ड ड्रैग यूज़ करने की ट्राई करोगे तो वहाँ पर आपको एम को रेड करना ही पड़ेगा अगर आप लोग एम को रेड नहीं करोगे तो, तो वहां पे आप लोग होल्ड लो रैग यूज नहीं कर सकते अब देखो यार एम को अगर आप लोग रेड कर रहे हो तो वहां पे आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि एम को हमेशा आपको एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखने की कोशिश करना पड़ेगा चाहे आप लोग कोई सा भी ड्रैग यूज कर रहे हो रोटेशन ड्रैग होल्ड ड्रैग या फिर स्ट्रेट ड्रैग वहां पर आपको एम को हमेशा एनिमी के चेस्ट के ऊपर ही रखना पड़ेगा अगर आप लोग एम को रेड करके ये तीनों ड्रैग यूज करना चाहते हो और अगर आप लोग एम को व्हाइट करके ये तीनों ड्रैग यूज करना चाहते हो तो वहां पर आप लोग नॉर्मली जो एनिमी के पैरों के नीचे जो है व्हाइट करके रखते हो तो वो आप लोग ऐसे करके रखना तो वहां पे आप लोग ड्रैग यूज कर सकते हो समझ रहे हो नहीं <laughs> तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ड्रैग की देखो भाई ये ड्रैग सबको ही पता है नॉर्मल सा ड्रैग होता है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है फायर बटन को प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेटली ऊपर की ओर ड्रैग करना पड़ता है बस इतना सा ही काम करना पड़ता है लेकिन एनिमी के कौन से पोजिशन पे आपको ये ड्रैग यूज करना है देखो एनिमी अगर आपके तरफ भाग के आ रहा है या फिर एनिमी कहाँ पे भी भाग के चले जा रहा है तो उस मोमेंट पे आप लोग स्ट्रेट ड्रैग का यूज कर सकते हो वहां बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि एनिमी लेफ्ट साइड में भाग के जा रहा है या फिर राइट साइड में भाग के जा रहा है और उस मोमेंट पे

वहां पे क्या करूंगा तो वहां पे फार बटन को प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेटली राइट साइड की ओर लेके जाऊंगा तो वहां पे आपका जो स्ट्रेट बहुत ही आराम से वर्क कर जाएगा एकदम परफेक्टली वर्क कर जाएगा ठीक है ना समझ गई। तो अभी हम लोग बात करते हैं रोटेशन रैक के बारे में, में डिवाइड है एक है राइट रोटेशन और दूसरा साइड रोटेशन अब देखो आपको एक बात जानना जरूरी है कि रोटेशन गया है बिल्कुल मतलब आप लोग जो एम को रेड करते हो और उस मोमेंट पे आपका एम एकदम एनिमी के बॉडी पे चिपक गया है और आप लोग किसी भी तरह अपने एम को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो तो उस मोमेंट पे एम को अनलॉक करने के लिए रोटेशन रैग का यूज करा जाता है ठीक है ना तो अब

यूज़ करना पड़ेगा और एनिमी अगर राइट साइड में जा रहा है तो वहां पे आपको नॉर्मली लेफ्ट साइड रोटेशन रैग यूज करना पड़ेगा एम के ऊपर रखें कि आपका एम अनलॉक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ठीक है ना और देखो रोटेशन रैग के ऊपर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ड्रैग के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो ओके okay. तो अभी बात करते हैं फीपर में सबसे डिफिकल्ट ड्रैग के बारे में जो कि ये होल्ड ड्रैग देखो यार होल्ड ड्रैग थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप लोग ये सीख जाओगे तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इस ड्रैग का कोई कंपेयर ही नहीं है भाई सबसे बेस्ट ड्रैग होता है होल्ड ड्रैग देखो भाई ये ड्रैग आप लोग बेसिकली यूज़ करते हो लेकिन आपको खुद ही पता नहीं है कि आप लोग होल्ड ड्रैग यूज़ कर रहे हो मतलब जब आप लोग एम फाइव यूज़ करते हो तो वहाँ पर अगर आपका एम एनिमी की बॉडी पर चिपक जाता है तो आप लोग क्या करते हो यार लगातार कोशिश करते हो और वहाँ पर एक बार आपका एम एनिमी के हेड तक चला जाता है आपका वन टैप वर्क कर जाता है मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, भाई, थोड़ा सा हो जा रहा है मुझे पता है तो मैं आपको थोड़ा सा में समझा अलग तरीके से करता है मतलब अगर आपका पे चिपक गया है और उस सिचुएशन पे आप लोग स्ट्रेट ड्रैक यूज कर लिए रोटेशन कर लिए तब भी आपका एम एनिमी नहीं जा रहा है तो वहां पे आपको होल्ड्रैक यूज करना पड़ेगा मतलब होल्ड रेक से आपका एम एनिमी चला जाएगा लेकिन होल्ड ड्रैग में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है फायर बटन देखो भाई फायर बटन को आपको प्रेशर देके प्रेस करना है और फिर आपको एनिमी के हेड तक ले जाने की कोशिश करना पड़ेगा मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं देखो भाई होल्ड होल्ड्रैग अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो वहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो है फायर बटन और दूसरा एम देखो भाई एम को तो सबसे पहले आपको एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखने की कोशिश करना पड़ेगा और दूसरी बात आपको फायर बटन को प्रेशर देके प्रेस करना है हाँ भाई फायर बटन अगर हल्का सा प्रेस करके आप लोग होल्ड होल्ड्रैग मारने की कोशिश करोगे तो भाई वहाँ पे होल्ड नहीं होगा आपको फायर बटन को एम के ऊपर जा जा तो ले जाने की कोशिश करना पड़ेगा तो इसको होल्ड्रैग बोलते तो यार होल ड्रैक आप लोक लोक यूज सकते हो जब आपका एम एकदम एनिमी के बॉडी में चिपक जाए और उस वक्त भाई कोई भी ड्रैग काम ना आए तो आप लोग होल्ड यूज यूज़ कर सकते हो और होल्ड होल्ड्रैक ज्यादातर वन टैप के गन में ही वर्क होता है मतलब जैसे कि एम फाइव हंड्रेड डेजर डिगल या फिर हमारा शॉर्ट गन में जो एम वन एट एट सेवन है तो इन सारे गन में होल्ड रैक ज्यादातर यूज होता है तो देखो भाई मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि आप लोग जब भी होल्ड रैक यूज करें तो वहां पर आप लोग एक ही बात का याद रखें कि फायर बटन को आपको प्रेशर दे कर प्रेस करना है हल्का सा प्रेस करके आप लोग होल्ड रैक मारोगे तो वहां पर आपका होल्ड रैक नहीं लगेगा आपको फायर बटन को प्रेशर देके प्रेस करना पड़ेगा ठीक है ना तो कैसे यार आज का वीडियो बस इतना ही था वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना और भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोलना तो यार मैं वीडियो बना दूंगा तो फिर चलो यार मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय